जैसा कि भी आप सब देखोगे फ्लाईव्हील है, और आज की वीडियो में हम इस फ्लाईव्हील को टर्न करवाएंगे और किस तरीके से की जाएगी ये आप सब देखोगे। ये मशीन है लैथ मशीन जो हमारे उस्ताद जी आज ऑपरेट करेंगे। ये आप सब देखोगे जो फ्लाईव्हील है इस जगह इसका सिस्टम ये फिट होता है पूरा क्लच सिस्टम। आप सब देखोगे ये क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है, और ये इसके बोल्ट्स और ये एलंकी जिसकी हेल्प से हम क्लच को फ्लाईव्हील पे होल्ड करके रखेंगे। आप सब देखो जो डिस्क प्लेट होती है इस पोजीशन के ऊपर, ये आप सब देखोगे इस जगह चलती है। जब ये ज़्यादा चल जाती है गाड़ी तब क्या होता है, जो फ्लाईव्हील है ये पार्ट्स है पूरा अनइवन हो जाता है पार्ट सरफेस। तब जब हम क्लच सेट रिप्लेस करते हैं तब उससे पहले हमें ये डिस्क को जो फ्लाईव्हील है इसको टर्न करवाना पड़ता है, नहीं तो जब वो नया सेट रिप्लेस करते हैं तब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। आप सब देखोगे ये मशीन है लैथ मशीन, इसमें डिफरेंट टाइप्स के गियर्स होते हैं जिसकी मदद से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जितना भी इसका सरफेस है वो अनइवन हो गया है। एक बार फ्लाईव्हील को कंप्लीट होल्ड करते हैं इसके चक में, फिर आपको दिखाते हैं। ये आप सब देखोगे इस तरीके से होल्ड किया जाता है। इस जगह इसका स्विच है, उस जगह उसका, आप सब देखोगे इस जगह इसके हैंडल्स हैं, और ये टूल पोस्ट है जिसमें कि हम टूल को होल्ड करके रखते हैं, ओल्ड धोती जिसकी मदद से हम जो हाथ वगैरह क्लीन करेंगे। जितने भी आप सब देखोगे अभी फ्लाईव्हील होल्ड की जा रही है इसके चक पे, जब कंप्लीट होल्ड हो जाएगी तब इसको मशीन को चला के देखेंगे। आप सब देखोगे इसमें फ्लक्चुएशन है, ये बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट होगी। जब बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो जाएगी तब इसमें कोई प्ले नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इस तरीके का, नहीं तो जो टूल है वो इसे टर्न नहीं कर पाएगा। जैसे कि भी आप सब देखोगे ये सेंटर टूल्स हैं, इसमें इतना ये फ्लक्चुएशन है, ये टूल्स है जिसकी हेल्प से हम इस फ्लाईव्हील को बिल्कुल एक सेंटर में एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से एडजस्ट की जाती है, आप सब देखोगे इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये आप सब देखोगे अभी भी है, बिल्कुल एक सेंटर में एडजस्ट की जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल टूल्स है, ये आप सब देखोगे अभी भी फ्लक्चुएशन है। जैसे कि भी आप सब देखोगे फ्लाईव्हील कंप्लीट टूल होल्ड हो गया है इसके चक में, और इस जगह इसका टूल पोस्ट है जैसे कि आप सब देखोगे जिसमें कि टूल को होल्ड किया जाता है, और ये हमारे उस्ताद जी हैं जो आज मशीन को ऑपरेट करेंगे। आप सब देखोगे ये इसका टूल्स है, इसे सेंटर चेक किया जाता है, जो फ्लाईव्हील है एक एक्सेस पे रोटेट हो रही है। ये आप सब देखोगे टूल पोस्ट है जिसमें क्या होगा, ये जो टूल है टूल को होल्ड करके रखा जाता है। अब जब टूल होल्ड होगा तब उस जगह उस पर एक हल्का सा कट लगाया जाएगा, जितना भी अनइवन सरफेस होता है। आप सब देखोगे इस जगह जितना भी ये अनइवन सरफेस हो जाता है, जब क्लच सेट ज़्यादा चल जाता है, जब बिल्कुल डेड हो जाएगा क्लच सेट, तो कहीं जो पार्ट है ये पोजीशन, ये कहीं ज़्यादा नीचे दब जाएगा, कहीं उठ जाएगा। कभी भी जब इसका क्लच सेट रिप्लेस किया जाता है तब इस तरीके से फ्लाईव्हील को टर्न किया जाता है। आप सब देखोगे ये कंप्लीट इसकी फ्लाईव्हील है, और ये रिंग दी गई है स्टार्टर मोटर की, या क्रैंक की रिंग है। आप सब देखोगे ये टूल को कंप्लीट होल्ड कर लिया गया है। ये उस्ताद जी हैं जोगिंदर उस्ताद जी जो मशीन को आज ऑपरेट करेंगे। आप सब देखोगे टूल्स हैं जिसकी मदद से बिल्कुल सेंटर में कंप्लीट फ्लाईव्हील को टाइट किया जाता है, कहीं से भी फ्लक्चुएशन ना हो। ये आप सब देखोगे टूल को अभी होल्ड किया जा रहा है, और ये आप सब देखोगे फ्लाईव्हील स्टार्ट हो गई है। अब जितना भी अनइवन पार्ट्स है वो बिल्कुल एक लेवल में टर्न किया जाएगा। आप सब देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो सरफेस है वो अनइवन हो गया है। जैसे कि अभी आप सब देखोगे ये एक बार में पहले टर्न किया जाता है, उसके बाद जितनी भी कमी होगी सब आपको दिख जाएगी। देखो बीच बीच में कहीं कहीं वो ब्लैक पन है।
ये आप सब देखोगे बीच बीच में जो ये पार्ट्स पोजीशन जो अभी बच गई है, ये पार्ट इसका डिफेक्ट है। ये आप सब देखोगे इतना अनइवन पार्ट्स हैं जो अभी टर्न किया जाएगा। आप सब देखोगे अब जो मशीन है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट की जाएगी, ये धीरे 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 उस लेवल को टर्न करता हुआ चला जाएगा। आप सब देखोगे ये मशीन ऑटोमेटिक पे सेट कर दी गई है, जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होगी। आप सब देखोगे हैंडल्स ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होंगे। ये आप सब देखोगे जब तक ये फ्लाईव्हील टर्न होती है, जब तक आप सब देखोगे स्टाजी अभी कंप्लीट हुंडई सेंट्रो का आप सब देखोगे ये स्टीयरिंग सिस्टम है, सब टोटली सारे वर्क किए जाते हैं यहाँ पे। आप सब देखोगे सारे इसके रैक है, रैक के रॉड हैं, आप सब देखोगे ये पूरा कंप्लीट रैक है। ये आप सब देखोगे इस तरीके डिफरेंट टाइप के रैक्स होते हैं। जैसे क्या होता है जब हाइड्रोलिक सिस्टम जब कहीं से पार्ट अनइवन हो जाता है या जंग लग जाता है तो ये जो शीले है उसकी लीक होने लगती है, तब आपका जो पावर स्टीयरिंग है हाइड्रोलिक सिस्टम वो फेल हो जाता है। तब उस कंडीशन में क्या करते हैं सब पूरा सिस्टम को क्लीन करके और जो डिफेक्टिव पार्ट्स है उसको रिप्लेस करते हैं। आप सब देखोगे ये इतने सारे रैक रखे हुए हैं, ये आपको हर कार्स के इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कोई भी वर्क करवाना हो आपको कॉन्टैक्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इनकी शॉप है पीरागढ़ी में, आपको नंबर मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये पूरी शॉप है इनकी, आप सब देखोगे ये मशीन्स है, प्रेशिंग मशीन है, टूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। ये आप सब देखोगे बोरिंग का सिस्टम है। ये आप सब देखोगे अब तक जो फ्लाईव्हील है कंप्लीट टर्न हो गई, थोड़ा हिस्सा जो बाकी पार्ट्स है अनइवन ये आप सब देखोगे थोड़ा जो साइड का पोर्शन है वो रह गया, बाकी कंप्लीट इसका टर्न हो गया है। ये स्टीयरिंग सिस्टम है, जैसे कि आप सबने देखा कंप्लीट स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक सिस्टम है टोटली सारे ऑल कार्स के, जो भी आपको रिपेयर करवाना वो इजीली रिपेयर हो जाएंगे। ये आप सब देखोगे ब्लॉक्स हैं, हेड है, सिलेंडर हेड है, ये क्रैंक शाफ्ट है कंप्लीट सब पॉलिश की जाती है। इनकी बैरिंग है, ये आप सब देखोगे क्रैंक की, ये आप सब देखोगे बैरिंग्स है, ये भी रिप्लेस की जाती है। ऑल पार्ट्स कंप्लीट हर पार्ट्स रिप्लेस किया जाता है, सिलेंडर हेड हो गया, बोरिंग हो गई, गाड़ी में स्मोक की प्रॉब्लम है, हीटिंग की प्रॉब्लम है। ये आप सब देखोगे इस जगह मशीन है ये इनकी, ये बोरिंग मशीन है इस तरीके की। आप सब देखोगे ये ढक्के इसलिए रखा जाता है ताकि इस पर डस्ट वगैरह कुछ ना आए, क्योंकि बोरिंग का काम काफ़ी ज़्यादा केयरफुल वाला काम होता है, इसमें कोई पार्ट्स में कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। और अब आप सब देखोगे मशीन ऑफ करने का टाइम आ गया, और ये हमारे उस्ताद जी हैं जोगिंदर साजी, ये आप सब देखोगे हाई करते हुए आप सबको। पूरा सिस्टम कंप्लीट फ्लाईव्हील टर्न हो गई है, आप सब देखोगे कंप्लीट हो गया पार्ट्स। अब आप इसमें ये कलर सेट है वो इजीली फिट कर सकते हो। आप सब देखोगे ये ऑटोमेटिक गियर ऑफ कर दिए गए, आप सब देखोगे अब जो चक है चक से फ्लाईव्हील को रिमूव किया जाएगा।
जैसे कि भी आप सब देखोगे जो फ्लाईव्हील है कंप्लीट टर्न हो गया है। आप सब देखो जितना भी अनइवन पार्ट्स होता है वो एक लेवल में फेस किया जाता है, जितना भी अनइवन पार्ट था सब क्लीन हो गया। आप सब देखोगे पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट्स पूरा कंप्लीट टर्न हुआ है। और ये इसका कलर सेट है जो अब फिट करें किया जाएगा, आप सब देखोगे। और ये हमारे साथी थे जिन्होंने इस काम को काफ़ी केयरफुल तरीके से वर्क किया है, और 20 साल का एक्सपीरियंस है उस्ताद जी को हमारे। तो कोई भी काम करवाना हो आप कॉल कर सकते हो, चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा इनका। सिलेंडर हेड फिशिंग की आपने वीडियो देखी, ब्लॉक की देखी, क्रैंक पॉलिशिंग की देखी, कोई भी काम करवाना हो, हाँ आपने बोरिंग का देखा होगा मेरे और वीडियो में, कंप्लीट बोरिंग भी यहीं की जाती है। आप सब देखोगे स्टीयरिंग सिस्टम भी कंप्लीट हाइड्रोलिक हो या मैनुअल हो, दोनों कंप्लीट रिपेयर किए जाते हैं। जो प्रॉब्लम होती है इनके जो रैक होता है ये कहीं से कट जाता है, जो सील डिफेक्ट हो जाती है वो पार्ट्स रिप्लेस किया जाता है। आप सब देखोगे और नॉर्मल जो सिस्टम होते हैं आजकल जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक या तो हाइड्रोलिक सिस्टम है, दो बेस्ड हैं, दोनों में रैक तो हर गाड़ियों में लगेंगे, चाहे हाइड्रोलिक हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, रैक तो सब गाड़ियों में दिए जाते हैं। और डिफेक्ट जो होता है उसका आप सब देखोगे, रैक डिफेक्ट होता है वो लोहे का पार्ट एंगल सा। आप सब देखोगे ये क्रैंक है जो पॉलिश की जाएगी, जब पॉलिश होती है क्या होता है जो ये पार्ट्स होता है ज़्यादा जब कट जाता है गाड़ी बिना इंजन ऑयल के चल जाती है, तब इस पार्ट्स को क्लीन किया जाता है, फेस किया जाता है। आप सब देखोगे जिसे क्रैंक पॉलिशिंग कहा जाता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जैसे कि भी आप सब देखो कंप्लीट फ्लाई व्हील इंजन में कंप्लीट टाइट कर दिया गया है। आप सब देखोगे कलर सेट है जो अब कंप्लीट इस पर फिट किया जाएगा। सरफेस आप सब देखो कंप्लीट फेस किया गया है। आप सब देखोगे नहीं तो जो फ्लाई व्हील होती है वो रिप्लेस की जाएगी, जो अनइवन पार्ट्स होता है वो कंप्लीट टर्न हो गया है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो जो पार्ट्स है पूरा कंप्लीट रिप्लेस होता है, अब वो पार्ट्स रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल सॉल्व हो गई है। और इसका कलर सेट है जो कंप्लीट फिट कर देंगे।